और अभी यह झगड़ा सुलझा भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने टीडीपी सांसदों की नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दी। आगे बढ़ते हैं। टीवी के क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड के मशहूर होस्ट रहे शोएब इलियासी पर हत्या का केस चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इलियासी पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है। इलियासी पर पत्नी की हत्या का आरोप है। अभी तक कोर्ट में शोएब इलियासी पर गैर इरादतन हत्या का केस चल रहा था। 14 साल पहले शोएब इलियासी की पत्नी अंजू की संदिग्ध मौत हुई थी। शोएब पर दहेज के लिए पत्नी को परेशान करने का भी आरोप है। अंजू की मां और शोएब की सास उनके खिलाफ केस लड़ रही हैं। और अभी तक जो गैर इरादतन हत्या का केस चल रहा था, अब वो हत्या का केस चलेगा 14 साल बाद। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से लेते हैं और जानकारी। अंकित, किस आधार पर ये केस चलाया जाएगा? पल्लवी, ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा था। जो शोएब इलियासी की पत्नी थी अंजू इलियासी, जिनकी मौत हुई थी, उनकी मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि निचली अदालत ने शोएब इलियासी के खिलाफ जो मामला चल रहा है वहां पर उनसे उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि शोएब इलियासी के खिलाफ हत्या का केस चले। जो और निचली अदालत में जो उनके खिलाफ मामला चल रहा था वो सिर्फ गैर इरादतन हत्या का था, लेकिन वहां पर जो है निचली अदालत ने उनकी इस मांग को नहीं माना था सबूतों को देखते हुए, जिसके बाद में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और आज हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, एक तरह से उनकी मांग को मान लिया है। अब उसके बाद में निचली अदालत से कहा गया है कि शोएब इलियासी के खिलाफ जो सिर्फ गैर इरादतन हत्या का केस चल रहा था उसकी जगह हत्या के केस के भी चलाया जाए, यानी कि वो धारा भी ऐड की जाए, वो धारा भी जोड़ी जाए, धारा 302, और उसके तहत मामले की सुनवाई आगे हो। यानी साफ तौर पर शोएब इलियासी के लिहाज से बात करें तो उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं दिल्ली हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद। और देख रहे हैं हम शोएब इलियासी को, जो कि मशहूर क्राइम शो के होस्ट रहे हैं शोएब इलियासी। 14 साल पहले इनकी पत्नी अंजू की हत्या हुई थी। ये हालांकि इन पर गैर इरादतन हत्या का केस चल रहा था और अब हत्या का केस चलेगा।